हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और कहानी बताने वाली हूँ और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कहानी। आज का कहानी है एक मूर्ख माली। गोपू नाम का एक व्यक्ति था जो एक शहर के बाहर के इलाके में एक खूबसूरत बगीचे का माली था। वह छोटे छोटे पौधों को लगाता था अपने बगीचे में और जब तक कि वह पौधे बड़े नहीं होते थे उसका देखभाल करता था वह, और उसे इस चीज़ का जिम्मेवारी दिया गया था। तो काफ़ी अच्छे से वह अपना कार्य करता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि वह वहाँ पे जहाँ बगीचे में काम करता था वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। वे जो बंदर थे वे पूरे हरे भरे पेड़ पौधे के ऊपर हमेशा खेला करते थे, खेल कूद करना, मस्ती करना और फल तोड़ तोड़ के गिराना और उसे खाना, यही सब करते थे वो बंदर। और वो बहुत ही नटखट और बहुत बदमाश थे वो बंदर। तो क्या हुआ कि एक बार उसे जो माली था गोपी, उसे किसी महत्वपूर्ण समारोह के लिए शहर के बाहर जाना पड़ा उसे। तो वह इतना बेवकूफ़ था वह माली कि वह अपने दोस्तों की सहायता ना लेकर के वह उन बंदरों में से एक जो था सरदार बंदर उसे बुलाया और बोला कि क्या तुम मेरे बगीचे का देखभाल कर सकती हो, मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य से महत्वपूर्ण समारोह के कारण मैं शहर जा रहा हूँ। तो वो अपना वचन दे दिया, वो जो नेता बंदर था, कि बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाइए गोपी, सो मैं आपका जब तक आप आओगे उससे पहले मैं अपने दल के सहायता से आपके सारे बगीचे का देखभाल करूँगा और पौधों में पानी दूंगा। तो वो निश्चिंत होकर के वो गोपी चला गया कि चलो यार ये तो कर ही देगा, बोला है तो। उसके बाद क्या हुआ कि जब अगले दिन जब हुआ तो अपना प्रोसेस शुरू कर दिया बंदर। वह अपनी जो दल है उन लोगों को बोला कि पानी देना शुरू करो पौधों में। तो वे लोग तो गए वहाँ पर देने के लिए पानी। तो उसने पूछा कि सरदार इसमें पानी देना कितना है इस पौधे में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना मूर्ख था, बेवकूफ़ वो बंदर, वो क्या कहा कि एक काम करो उस पौधे को उखाड़ के देखो उसका जड़ कितना लंबा है, जितना बड़ा जड़ रहेगा उसके हिसाब से ज़्यादा देना है पानी और जिसका जड़ रहेगा छोटा उसका उसमें देना है कम पानी उस पौधे में। तो उसके जो जो भी थे बंदर सब थे दल दल लोग, तो क्या किया सारे बंदर लोग ऐसे ही सारे पौधे उखाड़ उखाड़ के और सारे बर्बाद कर दिए, सारे ख़त्म कर दिए। और पानी दिया उस जगह पर लेकिन वो सब तो पौधे निकाल दिए, तो क्या फ़ायदा हुआ देने का फिर। तो इस तरह से सारे पौधे बर्बाद हो गए और वो जो माली था वो तो इस में था कि सोच में कि चलो मेरा तो बगीचा जैसा था वैसे पहले वैसा अभी होगा आई होप। तो पूरा मस्त एकदम खुशी में था पूरा। उसके बाद जब वह बगीचा आया तो देखते ही उसे हक्का बक्का रह गया पूरा। सारे पौधे एकदम बिखरे पड़े हैं यहाँ वहाँ पूरा एकदम, और सारे पौधे उखाड़े हुए हैं। ये देख करके उसे अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और वह इतना दुखी हो गया, उसे अपना भूल जो किया उस चीज़ पे उसे पछतावा हुआ और उसे बुरा लगा इस चीज़ का। तो इस तरह से पूरा बर्बाद हो ही गया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि मूर्खता में लिया गया जो निर्णय, मूर्खतापूर्वक जो लिया गया निर्णय होता है वो हमेशा गलत होता है और हमेशा नुकसान की ओर ले जाता है। इसलिए मूर्खता ना करें, जो जिस आदमी के लिए जो चीज़ बना हुआ है उसे उस काम को करने दें। वो उस बंदर को कहा, बंदर को क्या दिमाग है, वो तो इंसान तो नहीं ना था वो कि जानेगा समझेगा और कैसे देना पानी वो जानेगा। उसे किसी व्यक्ति को होना चाहिए, अपने दोस्त यार को होना चाहिए था कि मेरा थोड़ा देखभाल करने के लिए, लेकिन वो ऐसा किया ही नहीं। तो उसे तो देखना ही था ये सब जो भी हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।